नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में ही देसी घी कैसे तैयार कर सकते हैं। उसका लिए कुछ नहीं करना है, बस आप दूध में से जो ऊपर की लेयर होती है, इसको हम मलाई कहते हैं, इसको इकट्ठा करते जाना है। ऐसे मलाई निकाल करके चम्मच से ऐसे बहुत सारी मलाई इकट्ठी कर लेनी है। फ्रिज में रखते जाइए, फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होगी, और इसको इकट्ठी कर लीजिए। फिर मिक्सचर में मैंने इसको चर्न कर लिया है, और ये देखिए ये मक्खन अलग हो गया है। करीब 5-10 मिनट चर्न करने के बाद ही ठंडक में, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पे आप ठंडा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि मक्खन को निकालने के लिए ठंड की ज़रूरत होती है। तो मैंने हालांकि क्योंकि ये मलाई फ्रिज में रखी हुई थी, और दूसरा उसमें ठंडे पानी का प्रयोग किया है, और साथ ही मैं इसे सुबह सुबह निकाला है ताकि इसमें ठंड की वजह से जल्दी निकल आए, तो ये मक्खन मैं इसमें से अलग कर लूँ। अभी मैं आपको नीचे डिस्क दिखाऊंगी कि मैंने इसके लिए कौन से डिस्क का प्रयोग किया है। मक्खन अलग हो जाएगा आपका, और पानी अलग हो जाएगा। आप चाहे तो इसे घर में वाइट बटर के जैसे प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बिना किसी मिलावट का आपका अपना खुद का घर का बटर हो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये गोल वाली डिस्क में मैंने मलाई को इकट्ठा करके डाल के चर्न कर लिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट चर्न करने के बाद में मेरा मक्खन अलग हो गया है। पहले हम लोग मथनी से किया करते थे, पर मथनी में टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आज के ज़माने के हिसाब से ये मिक्सचर ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। अब ये देखिए मेरा मक्खन यहाँ पे अलग हो गया है, ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दबाते हुए ऐसे ऐसे दबाते हुए धीरे धीरे पूरा मक्खन एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, और जो भी इसका पानी निकले उसको हम अलग कर लेंगे। अलग से कढ़ाई टेढ़ी करके हम इसको निकाल लेंगे। जब हमारा पानी निकल जाए तो इसे गैस पे चढ़ा के गरम कर लीजिए। और चाहे तो आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। बस ये देखिए, जब आप इस मक्खन को अच्छे से गैस पे गरम करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उबलने लगता है, तो उबल करके आपकी कढ़ाई में से गिर ना जाए। इसलिए कढ़ाई एक तो मोटी तली की लेनी चाहिए, दूसरा कढ़ाई में उतना ही मक्खन डाले जितना उसमें आ सके, और उसको उबलने के लिए भी जगह चाहिए, नहीं तो वो उफन उफन के गिरता जाएगा और आपकी गैस गंदी हो जाएगी। जब तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इतने मक्खन को तैयार घी में बदलने के लिए। जब ये मक्खन घी में बदल जाएगा तो गर्म होकर के येलो कलर का होने लगेगा, और इसमें रेड कलर का नीचे मावा सा इकट्ठा होने लगेगा। जब वैसा तैयार हो जाए तब इसको छन्नी में डाल करके, यहाँ पे आप लोहे की छन्नी का प्रयोग करेंगे, लोहे के छन्नी में प्रयोग करके आप उसको छान लीजिए, तो आपका नीचे घी अलग हो जाएगा, मावा अलग हो जाएगा। अभी मैं आपको 25 मिनट बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है।